एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन शर्मा व्लॉग डायरी। तो यार, जब भी हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे सेलिब्रिटीज को देखते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी डाले, वेडिंग ज्वेलरी और फेस्टिव सीजन में, तो हमारा मन करता है ना कि वो ज्वेलरी हम खरीद ले, लेकिन हमें पता होता है कि ये हमारे आउट ऑफ बजट है, हम इसे नहीं खरीद सकते। करोड़ों की, लाखों की ज्वेलरी होती है वो। लेकिन डोंट वरी, मैं कंचन शर्मा आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल सेलिब्रिटीज की ज्वेलरी की कॉपी, और वो भी मीशो से बिल्कुल सस्ते में, कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है, आपको पता होगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको हटा दूं ताकि मैं आपको डाल के दिखा सकूं, और मैं लाई हूं कि बस मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं इस ज्वेलरी को आपको दिखाने के लिए। पहचाना, अंबानीज वेडिंग कितनी फेमस, और ये हार नीता अंबानी आई थिंक उनका नाम ना, तो नीता अंबानी का जो सेट था कितना वायरल हो रहा था, ये कभी सोचा था कि ये हमें मीशो से मिल जाएगा। अब ये करोड़ों की ज्वेलरी आपको मिल रही है। यार, बताते हुए भी ना मुझे इतनी शर्म आ रही है कि आपको ये इतनी अच्छी चीज, इतनी अच्छी ज्वेलरी आपको मिल रही है, वो भी उल्टा हो गया, वो भी इतने कम प्राइस में। किसी को बताओगे ना तो बताते हुए भी आपको लगेगा कि और नो, आप इसका ज्यादा रेट ही बताओगे, और कोई विश्वास भी कर लेगा, क्योंकि ये देखो, ये इतनी प्यारी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ओरिजिनल होती है ना, सेम डिप्टो उसकी कॉपी है। और ये देखो, इयररिंग्स कितने प्यारे इसके ना, बिल्कुल मतलब कोई जज नहीं कर सकता कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, बहुत प्यारे। तो जल्दी से मैं आपको इनको डाल के दिखाती हूँ कि ये डालने के बाद कैसे लगते हैं। और एक और चीज़ इसमें जो है, बस इसमें देखो, जैसे गोल्ड ज्वेलरी में होता है ना पीछे ये लगा होता है, तो वैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो डाल के दिखाती हूँ मैं आपको, बताना मुझे कैसा लग रहा है आप। मुझे ना खुद को ऐसे रिच फील हो रहा है कि मैं नीता अंबानी के स्टाइल की कोई चीज डाल रही हूँ। नीता अंबानी का नेकलेस मेरे पास आ गया है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। जल्दी से मैं इयररिंग्स भी डाल के दिखाती हूँ आपको। वाओ, बहुत बहुत प्यारा। और ये ना आपकी कोई भी जो ड्रेस होगी ना, पार्टी वियर ड्रेस, एथनिक जो वियर्स होती हैं उनके साथ आपका ये बहुत प्यारा लगने वाला है, किसी कांजीवरम साड़ी के साथ या लहंगा के साथ। और ये देखो कितने प्यारे, अगर आप देखो ना कितने प्यारे ये हैं जो झुमके हैं, वाओ, मतलब झुमका क्या कहेंगे इनको, जो भी है ये, ठीक है, इयररिंग्स। तो ये मुझे तो बहुत प्यारी लगी इतने कम प्राइस में। यार, आपको अंबानी की ज्वेलरी की कॉपी मिल रही है, तो और मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। ये लेके आई हूँ मैं छोटे सा पैकेट, लेकिन बड़ा धमाका। इसमें पता है आपको क्या मिलने वाला है, ये देखो, जो कैटरीना कैफ ने मंगलसूत्र डाला हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी है, और उसका तो पता नहीं कितने करोड़ में होगा डायमंड वाला, लेकिन हमें जो मिला है वो बहुत ही सस्ता। यार, इतनी सस्ती चीज़ मीशो पे ही मिल सकती है, और वो भी इतनी अच्छी। ये देखो कितना प्यारा, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, वाओ, लग रहा है ना डायमंड का। और मैं आपको सच बताऊं ना, लग रहा है ना डायमंड का, और मैं आपको सच बताऊं ना कि ये मेरे पास जो असली डायमंड का, एक मेरे हस्बैंड ने भूले भटके मुझे ले दिया था एक डायमंड का मंगलसूत्र, और वो भी सेम ऐसा ही लगता है, इतना ही पतला है वो तनिष्क का, और ऐसा ही सेम ऐसा ही लगता है। तो अब मुझे लग रहा है कि यार, इतने लाखों रुपए उस पर खर्च करने की क्या जरूरत थी, अगर मीशो पे हमें ये मिल रहा है। उसको तो डालने के बाद ना मुझे ये डर रहता है कि कहीं कोई उसे खींच ही ना ले, चोरी ना हो जाए, गिर ना जाए, है ना। और जब हम ऐसी चीज़ डालेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं होगा कि हाँ भाई, डर तो नहीं होगा, और हमें खुद को पता होगा कि ये कितना सस्ता है। तो मैं चलो जल्दी से आपको डाल के दिखाती हूँ। इसे डालते हुए ना मुझसे अड़ गया, एक्चुअली मेरी कोई हेल्प करने वाला तो था नहीं, तो मैं अपने आप ही डाल रही थी, तो पीछे से अड़ गया, लेकिन है ये बहुत ही प्यारा। आप डाल के तो मैं दिखा नहीं सकती, आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ बस। तो ये चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। और नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये जो है आलिया भट्ट, आप देख सकते हो आलिया भट्ट ने डाले हुए हैं, ये सेम एज इट इज मुझे रिसीव हुए हैं, ये देखो। और इसका भी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा, ये देखो ये है, और ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये देखो, है ना, वाओ। मैं जल्दी से आपको डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, इतना सस्ता माल, और वो भी सेलिब्रिटीज की ज्वेलरी की कॉपी। I'm loving it.
ओ माय गॉड, ये डाल के मुझे इतना रिच रिच फील हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है। देखो कितनी बड़ी, कितनी लेंथ है इनकी और कितने हैवी हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे वैसे आदत नहीं है इतने बड़े बड़े झुमके डालने की, मैंने फर्स्ट टाइम इतने बड़े झुमके ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे बहुत, इतने हैवी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखो। वाह, वैसे मैं 5-10 मिनट से ज्यादा ज्वेलरी डाल नहीं पाती हूँ, मैरिज वगैरह में भी जाती हूँ ना, तो मैं 10-15 मिनट के बाद ज्वेलरी को ही उतार देती हूँ, मुझे आदत नहीं है, लेकिन डालने का बहुत शौक है, तो लेके तो मैं बहुत सारे रखती हूँ। और ये एक और एडिशन, वो भी आलिया भट्ट के झुमके, सबको बताना है, मैंने जब भी मैं डालूंगी ना बताऊंगी कि ये आलिया भट्ट के झुमके का स्टाइल है। वाह, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। और अब बारी आती है परिणीति चोपड़ा की। भाई परिणीति चोपड़ा का भी तो स्टाइल हमें अपनाना चाहिए। तो ये देखो, ये है, ये हेयर बैंड, हेयर बैंड है, और ये मतलब ऐसा है कि आप पार्टी वियर है कि लाइक आप मैरिज वगैरह में अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता मेरी तरह, तो आप ये यूज कर सकते हो, पीछे एक जूड़ा बना लो सिंपल सा, या कुछ भी जो हेयर स्टाइल बनाना है, और साथ में लगा लो ये। वो भी किसका, इतना मतलब इस रेट में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, सेलिब्रिटी स्टाइल की ज्वेलरी मिल रही है मीशो से, और क्या चाहिए। ये देखो, आई होप आप देख पा रहे हो मुझे अच्छे से, ये देखो, दिखाऊं आपको, ये देखो, लग रहा है अच्छा? वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, डाल के रखो। भाई अंबानी की शादी में सास और बहू ही चमक रही थी, सास की ज्वेलरी और बहू की ज्वेलरी दोनों ही ट्रेंडिंग, तो जब हमने सास की ज्वेलरी डाल रही तो बहू को कैसे पीछे छोड़ दें हम, तो उसकी भी स्टाइल की ज्वेलरी मैं ले आई हूँ। और ये देखो, ये कितनी प्यारी लग रही है मुझे, मुझे उम्मीद है कि हमें सस्ते में असली कॉपी रिसीव हुई है, कॉपी बोल रही हूँ, असली ज्वेलरी नहीं बोल रही कहीं आपको कि ज्वेलरी, भाई वो हमें भी पता है कि इतनी असली डायमंड्स वाली ज्वेलरी, हो सकता है आप में से कोई अफोर्ड कर सकता हो, अगर कर सकता है तो बताना, भाई मैं तो नहीं कर सकती। तो ये देखो, ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ऐसे लग रहा है जैसे ये ना रियल डायमंड्स हों, ऐसे ही फील लग रहे, बिल्कुल रियल डायमंड्स का, बहुत प्यारा। जल्दी से डाल के दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे लग रहे हैं ये। यार मुझसे ना एक्चुअली कोई है नहीं मेरी हेल्प करने वाला, और मेरे से ये बंद नहीं हो पा रहा, लेकिन ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है ना ये चीज़, ये डायमंड मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके झुमके मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लगा नेकलेस जो है ना, और इतना मतलब इसका प्राइस बताते हुए तो ना मुझे शर्म ही आ रही है। अंबानीज की ज्वेलरी, डायमंड्स की ज्वेलरी आपको इतने कम प्राइस में मिल रही है, ओ माय गॉड। अंबानीज को अगर पता लग गया ना, बेचारे क्या सोचेंगे कि क्या उनकी कॉपी बनाई है, इतनी रियल लग रही है, आई एम लविंग इट। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, और एक्साइटमेंट में कैमरा दोबारा ऑन करना भूल गई, और मैंने ये डाल भी लिए। ये है इस सेलिब्रिटी के, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है। और ये भी जो है ये वेस्टर्न वियर है, तो मतलब आप किसी वेस्टर्न पार्टी में, या रेगुलर वियर भी है, रेगुलर भी आप डाल सकते हो इसको। और इसके साथ मुझे मिले हैं गिफ्ट, क्या गिफ्ट मिला मुझे, ये वाले, ये देखो, ये मुझे मिले हैं पर्ल के जो स्टड्स होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं ये, और ये मैंने डाल के भी देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्या है मेरे पास। वाओ, ये जो नेक्स्ट है, ये आई थिंक करीना कपूर ने डाला हुआ था, तो ये करीना कपूर की ज्वेलरी की कॉपी है, और ये बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं, मतलब कि ये तो इतने प्यारे इनके, देखो डिजाइन कितना प्यारा है ना। वैसे मैं अपना डाल डाल के ज्वेलरी थक चुकी हूँ, लेकिन इसको मैं जरूर डालूंगी, आपको डाल के दिखाती हूँ जल्दी से कैसे लगते हैं। ओ माय गॉड, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसकी ना डिटेलिंग देखो, ये मुझे अब तक के जितने भी है ना, जितने भी मैंने डाले हैं, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है, करीना कपूर वाला नेकलेस, बहुत ही प्यारा। और ये झुमके देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ओ माय गॉड, देखो आप, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी ज्वेलरी पसंद आई, और आप कौन सी बाय करना पसंद करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक डाल दूंगी, सो डोंट वरी, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे अच्छी लगी।
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये डाली है अनुष्का शर्मा ने। आप देखो ये, इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा सही, मतलब इसमें से आपको क्या सबसे अट्रैक्टिव चीज लग रही है? अनुष्का की नथ। तो ये मुझे मिली है दो के सेट में, एक ग्रीन और एक मुझे मिली है ये रेड। तो ये दो का सेट है, एक ग्रीन और एक रेड। तो मैं आपको ये रेड वाली डाल के दिखाती हूँ, तो मुझे लग रहा है आज ग्रीन ग्रीन ज्यादा हो गया, तो मैं रेड वाली डाल के दिखाती हूँ आपको। मैं तो भूल ही गई कि मैंने, मेरा तो देखो नोज में कैसे नोज रिंग डाल सकती हूँ, मैंने तो ये सिलवाया ही नहीं हुआ। तो चलो मैं इसको आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा ये, अगर इसको मैं दिखा पाऊँ, जस्टिफाई कर पाऊँ। ये देखो कैसा लग रहा है। मुझे ना हंसी आ रही है एक्चुअली, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज कभी ट्राई ही नहीं की ना, तो मुझे बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरा, अगर मैं डाल सकती तो मैं जरूर डालती इसको, कहीं ना कहीं इसको करती। बहुत प्यारी चीज है और इतनी सस्ती, और आपको दो का सेट मिल रहा हो, और क्या चाहिए यार। तो मुझे तो बहुत मजा आया ये सारी ज्वेलरी ट्राई करके, कि आपको सेलिब्रिटीज की ज्वेलरी कॉपी डालने को मिल रही है। यार किसको क्या पता कॉपी है कि नहीं, हम और नॉर्मली हम सब ये ऐसी ज्वेलरी ही डालते हैं ना, तो ठीक है, मतलब आई एम लविंग इट। तो आप बताओ आपको कैसे लगी ये सारी कलेक्शन, और कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। जिसको भी शौक हो सेलिब्रिटी स्टाइल की ज्वेलरी डालने का, तो शेयर जरूर कर देना अपनी मासी को, अपनी बुआ को, अपनी मम्मी को, अपनी ताई को, अपनी बहन को, अपनी फ्रेंड को, सबको कर देना जिसको भी शौक हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और फिर से लेके आऊंगी आपके लिए एक नई कलेक्शन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस तरह की कलेक्शन देखना पसंद करोगे, वही मैं आपके लिए लाऊंगी। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।